संबल जनपद के चंदोसी तहसील में आज व्यापारिक संगठनों द्वारा बाजार बंद का आह्वान पूर्ण रूप से सफल रहा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 14 फरवरी के दिन सीआरपीएफ के जवानों पर आतंकवादियों के द्वारा किए गए हमले में शहीद हुए 44 सैनिकों के दुख में क्रोध से भरे हुए विभिन्न मुस्लिम संगठनों, हिंदू जागरण मंच एवं अधिवक्ता संगठन ने आज सामूहिक रूप से बाजार बंद का आह्वान किया था, जो कि पूर्ण रूप से सफल रहा। इस मौके पर व्यापारियों ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि सरकार को पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करनी चाहिए। भारत के पास जो भी मिसाइलें हैं, जैसे कि अग्नि आकाश, ब्रह्मोस, ये हथियार 26 जनवरी और 15 अगस्त पर परेड में शामिल करने के लिए ही हैं, या मुल्क के दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए। इस देश की वीर महिलाओं ने जब भी देश को आवश्यकता हुई है अपने आभूषण बेच के देश की सेना के लिए पैसे देने का काम किया है, और व्यापारियों ने भी सेना की मदद की है। अगर अब भी सरकार को हम लोगों की मदद की आवश्यकता है, हम लोग हमेशा तैयार हैं। जो गधे बेच के अपनी रोटियां खा रहा है, भारत माता के आगे कुछ भी नहीं है। भारतीय बहुत भारतीय युवा ये 2 सेकंड में इसे इसका नक्शा खत्म कर देंगे, इसके नक्शे से पता नहीं भारत सरकार इतनी देर क्यों लगा रही है। तो मेरी भारत सरकार से विनती है कि अब तक तो इनके लॉन्चिंग पैड्स पे आतंकवादियों के गढ़ों को देश नाबूद कर देना चाहिए हमारी मिसाइलों के द्वारा। अपनी सीमा के रहते जो पुलवामा क्षेत्र में आतंकवादी घटना घटित हुई और हमारे देश के वीर सैनिकों की निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी गई, आज चंदोसी का बाजार उन वीर गति प्राप्त सैनिकों को श्रद्धांजलि देने हेतु आज चंदोसी के व्यापारियों ने, चंदोसी के नागरिकों ने, जो देशभक्त नागरिक है, उन्होंने स्वतः श्रद्धांजलि देने के लिए आज ये बाजार चंदोसी का बंद रखा और ये बताया कि शहीदों के परिवार के संग हम कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़े हैं। वो अपनी संवेदनाएं चंदोसी का व्यापारी और चंदोसी के नागरिक आज उनके साथ प्रकट कर रहे हैं, हमारी जो संवेदना है उनके साथ है। वास्तव में यहाँ पूरे देश में, युवाओं में, क्या पूरे नागरिकों में ऐसा खून खोल रहा है, जबरदस्त उबाल आया है इससे। और भारत सरकार से हम मांग करते हैं कि पाकिस्तान को बिल्कुल नेस्त नाबूद कर दिया जाए, अपनी जगह से सबक सिखाया जाए। इसकी नापाक इरादे को हम कभी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना तो चंदोसी की जनता बर्दाश्त करेगी और ना ही हिंदुस्तान की जनता बर्दाश्त करेगी। हम बहुत दूर निंदा करते हैं और विश्व में मांग उठाते हैं कि पाकिस्तान को इससे बेदखल किया जाए सारी चीज़ों, सारी सुविधाओं से। और अपने प्रधानमंत्री मोदी जी से कहते हैं अगर आपका 56 इंच का सीना वास्तव में है तो कोई सर्जिकल स्ट्राइक ना करें, कोई किसी तरह से हमारे पाकिस्तान पर अटैक करे, पाकिस्तान को नाबूद कर दे इस चीज़ के लिए, विश्व स्तर पाकिस्तान का नाम और निशान मिटा दे। अगर वास्तव में 56 इंच का सीना रहा है, एक के बदले 10 सिर लाने का वादा हुआ था, क्या आ वो 10 सिर? हमारे 40 जवान मारे जाते हैं और हिंदुस्तान चुपचाप बैठा हुआ है। हिंदुस्तान के लिए कुछ बात नहीं होती, पाकिस्तान का तुरंत अटैक होना चाहिए। पूरी जनता, पूरी आवाम पाकिस्तान, हिंदुस्तान के मोदी जी के साथ में।